चंद्रयान 3 की चांद के दक्षिणी ध्रुव पर कामयाब लैंडिंग के 10वें दिन इसरो ने शनिवार को आदित्य L1 मिशन लॉन्च कर दिया है। आदित्य सूर्य की स्टडी करेगा। शनिवार सुबह 11:50 पर PSLV-C57 के XL वर्जन रॉकेट के जरिए श्रीहरिकोटा के सतीश धवन स्पेस सेंटर से आदित्य L1 की लॉन्चिंग की गई है। रॉकेट PSLV आदित्य को पृथ्वी की निचली कक्षा में छोड़ेगा। करीब 63 मिनट यानी और 19 सेकेंड बाद आदित्य 235 × 19,500 किलोमीटर की ऑर्बिट में पहुंच जाएगा। वह करीब 4 महीने बाद लैग्रेंज पॉइंट L1 तक पहुंचेगा और इस पॉइंट पर ग्रहण का प्रभाव नहीं पड़ता है, जिसके चलते यहां सूरज पर आसानी से रिसर्च की जा सकती है। इस मिशन की अनुमानित लागत 378 करोड़ रुपये बताई जा रही है। आपको बता दें कि लैग्रेंज पॉइंट का नाम इतालवी फ्रेंच मैथमेटिशियन जेसेफी लुई लैग्रेंज के नाम पर रखा गया है। इसे बोलचाल में L1 के नाम से जाना जाता है। ऐसे 5 पॉइंट धरती और सूर्य के बीच में है, जहां पर सूर्य और पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल बैलेंस हो जाता है और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बन जाता है। ऐसे में इस जगह पर अगर किसी ऑब्जेक्ट को रखा जाता है तो वो आसानी से दोनों के बीच स्थिर रहता है और एनर्जी भी कम कर लेता है। पहला लैग्रेंज पॉइंट धरती और सूर्य के बीच में 15 लाख किलोमीटर की दूरी पर है।